कैसे किया। तो ऐसे ही माता जी के साथ भी चलता रहता था, आपको अभी दूसरी बात भी सुना दी कि ऐसे होता रहता था, बचपन से ही माता जी के साथ मक्खन बनाते, हमारे साथ जो खेलने वाले होते उनको बड़े बड़े शायद 2 फुट के ऐसे थमिया पिल्लर होते थे उस टाइम में, थमिया बोल देते पिल्लर, तो उनके पीछे उन बच्चों को हम छुपा लेते धीरे से ले जाके, और माता जी को कहते भी हाँ जी हम तो मक्खन खाएंगे, होंगे 5-6 साल के, ख्याल में नहीं हमें, छोटे भी खा जाते थे मक्खन तो 2-1 साल के भी, तो माता जी कहते हाँ हाँ खा खा। तो माता जी मक्खन बेचारे ऐसे पेड़ा सा निकालती यूं ऐसे रखते, हम पूरे का पूरा उठाते, थोड़ा सा खुद खाते और बाकी उनको सरका देते कि इधर हो जाओ साइड में। तो माता जी जल्दी से निकाल के ऐसे हैं तू खा गया, हमने कहा हो खा गए, ये ऐसे कैसे खा गया, ऐसे छोटा सा तो मुंह है इतना बड़ा पेड़ा ऐसे कैसे खा गया। हम फिर वो रखते फिर उधर फिर निकालने लगते, हम धीरे से फिर थोड़ा सा खाते फिर उनको दे देते, तो वो फिर उनको कह देते कि खिसक लो अब इंक्वायरी होने वाली है बाद में, क्योंकि तीसरी बार तो इंक्वायरी नेचुरली होनी होनी है। तो जब तीसरी बार माता जी रखते कहते हैं फिर खा ली, ऐसे कैसे खा गया देख लो खा गया। वो देखते खड़े, मैं देखती हूँ अभी इधर उधर देखते, वहां कोई ना होता क्योंकि वो तो पहले ही खिसका देते कि चलो भाग लो। तो एक दिन माता कहते नहीं मैं पहले निकालूंगी फिर तुझे दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लो। माता निकालने लगे अपने पास ही रखते गए सामने ही, तो हमने उनको खिसका दिया कि भाग लो आज काम गड़बड़े। वो तो भाग गए और माता जी ने अब वो बहुत सारा मक्खन इतना सारा था कहते ले रोज खाता आज खा के दिखा। हमने कहा लाओ, बेबरा जी का नाम लिया और चढ़ा गए मालिक की जाने उसका काम जाने। तो अब माँ तो फिर माँ होती है, अब इतना मक्खन खा गए तो अब गड़बड़ होगी, माँ की खुद के दर्द हो गया कि अब लूज मोशन लगेंगे अब बीमार पड़ेगा, अब चारों तरफ पूरा ध्यान हमें जाने ना दें इधर उधर, इधर बैठ तू यहीं बैठ तू इधर जा। हमने कहा नहीं हम तो खेलेंगे ऐसे कैसे। तो हम खेलने लगे बस पीछे 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 शाम तक, और इनको ये तब कोई मालिक की माया है क्या, बेपरवाह जी जाने उन्होंने काम लेना होता है। तो बापूजी को बताने लगे, बापूजी कहते हाँ भाई ये ताकतवर है तू ऐसी ना कहा करे इसको, देखो सारा खा गया ना तेरा। कहते हाँ भाई आज तो मैं मान गई। उसके बाद कभी नहीं उन्होंने चेक किया और हमारा काम चलता रहा। तो इस तरह की ये तो एक बात है, पता नहीं हम वो ग्रंथ लिख नहीं पा रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा उस ग्रंथ में, हमने ऐसी चीजें आपको देनी है जो आत्मकथा जो ग्रंथ है वो लिख रहे हैं तो उसमें ऐसी चीजें आएंगी। हमें कभी ऐसा नहीं होता था कि जरा सी भी कोई बात होती बापूजी जरा सा ढीले होते तो हम वहां खड़े नजर आते, हमें तो शायद एक आध बार बुखार हुआ होगा तो वहां बापू माता जी तो फिर हमें तो गोद में ही रखते, लेकिन इनको भी ऐसा जरा सा भी कुछ होता तो ये होता नहीं था कि हम तो खैर बेपरवाह जी की रहमत थी पूरे, जैसे ये लोग थे वैसे हमने तो होना ही था, बेपरवाह जी ने पूरे गांव के हमदर्द थे और पूरे गांव के लिए भले के कार्य करते थे, चाहे कैसा भी समय होता था कुछ भी बात होती थी तो, लेकिन आपस में भी इतना लगाव और आज भी ज्यों का त्यों है ऐसा नहीं है, क्योंकि परमपिता ने वचन किए थे कि जब तक आपके पिताजी हैं तो ये संभालेंगे बच्चों को, पर बाद में कहीं ये रुलते ना फिरें ये ध्यान देना। तो हमने इनको बच्चों को बोला कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं भाई, आप आओगे हमसे सलाह लोगे जी सदके, और हमें अच्छा लगता है जब भी ये बच्चे सलाह लेते हैं आते हैं मिलते हैं, हम कोई रोक टोक नहीं होती हमारी तरफ से। तो आज भी वैसे ही, और माता जी का वो प्यार वो काम करना, अभी हम जूपी में गए थे तो वहां चले गए बच्चे, तो हमने वैसे माता जी के पास चले गए कमरे में देखा क्या कर रहे हैं, अचानक चले गए तो ये अपना एक दूसरा कपड़ा पहन का और एक जो कुर्ती है जिसे कहते कमीज शर्ट वो उतार रखी उल्टी कर रखी और कैंची ले रखी, और यहाँ वो दर्जी ने क्या किया वो जो सीन जो होती है अंदर की साइड में ये वाली ये इतनी बड़ी बड़ी छोड़ दी। तो माता जी कैंची से इस बार जूपी की बात है लगे पड़े देते तेरे की लेते रे कमरे में टुकड़े ही टुकड़े। हमने कहा ये क्या चल रहा है, कहते हैं पता ही नहीं दर्जी को ये क्या करके रख दिया इतनी बड़े अंदर छोड़ दिया मेरे चुभ रहा है। तो हमने कहा ये लड़कियां साथ है, कहते इन्होंने बड़ा चज है। हमने कहा बात तो ठीक है आप इतने सच्चारे हैं, क्योंकि मशहूर था माता जी का हर काम
काबिले तारीफ होता था, उसमें इतनी सफाई होती थी। वो चीजें, वो कहते हैं ना माँ की चीज याद रहती है, और वो माँ जो गुरु की तरफ लगाए, हम आपको वो माँ बाप का हद से ज्यादा सत्कार करने के लिए कहते हैं जो आपको भगवान सतगुरु की तरफ लगाए, उनका सत्कार करो, इज्जत करो, तो गुरु भी आपके जरूर खुश होगा। पर अगर माँ बाप आपको रोकते हैं तो भी उनकी बेइज्जती ना करो, अगर बिल्कुल ही वो आपका रास्ता रोकते तो किनारा कर लो और उनकी सेवा इनडायरेक्टली फिर भी करते रहो। माँ बाप का कभी बुरा नहीं करना चाहिए, पर पूजने के लायक तो माँ बाप वही होते हैं जो भगवान से जोड़े और गुरु पीर फकीर से जोड़ते हैं, वही वही माँ बाप धन्य हो।